हे यूट्यूब फैमिली, आज हम बनाएंगे पालक एंड आलू के परांठे। ओके, और गाइस, पालक का परांठा खाने की डिमांड थी इन सहजादे की। हेलो यश। हाय। क्या खाना है आज आपको? ग्रीन पालक के परांठे। ओके, डन। बनाए फिर? हाँ। ओके, तो गाइस ये देखो, कुकर ने मुझे देख के सीटी मार दी है। ओके, इसमें आलू चढ़ाए हुए हैं और यहाँ अपना पालक उबलने के लिए छोड़ दिया है। गाइस, उबले हुए पालक को हम आटे के अंदर ऐड कर देंगे और अभी ऐड करेंगे उबले हुए आलू। मसाले ऐड करेंगे, रेड चिल्ली पाउडर, नमक टेस्ट के अनुसार, धनिया पाउडर, ये भुना हुआ जीरा है ये भी मैं ऐड करूँगी, हल्दी पाउडर, अदरक के टुकड़े का पेस्ट बना के थोड़ा ऐड करेंगे, काली मिर्च का पाउडर भी थोड़ा ऐड करूँगी गाइस, और थोड़ा चाट मसाला। और अब बारी है 2 टेबलस्पून ऑयल डालने की। अब इन सब को अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बनाएंगे। आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। एंड गाइस, परांठा में मैजिक लाने के लिए आप डाल सकते हो मैगी मसाला। देखिए गाइस, आटा हमारा तैयार है, थोड़ी देर रेस्ट के लिए इसे रख देंगे और फिर बनाएंगे क्रिस्पी क्रिस्पी परांठे। ओके ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं परांठा बनाना। तो मैं परांठे को बेल लेती हूँ, ये देखिए, और अभी देखते हैं तवा गरम हुआ क्या। हाँ जी, हमारा तवा रेडी है, तो अभी परांठा जाएगा तवे पे। ओके, अभी इस पे जाएगा देसी घी गाइस। वाओ, ये बहुत टेस्टी दिख रहा है गाइस, तो खाने में भी टेस्टी ही होगा, देखिए आप। दोनों साइड से अच्छे से हम इसे सेक लेंगे। देखिए, परांठा रेडी है गाइस, तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। वीडियो लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू।